लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पड़ताई, विवाह के लिए बगैर दहेज का छोरा ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि वेस्ट इंडीज में गोरा ढूंढना। आपके मतलब का एक लड़का है। ये रहा, लेओ पकड़ लेओ। लड़का देखने में तो अच्छा है। अच्छा है ना? नाम इसका गुड्डू, पर जरा सा बेचारा चीटर है। चीटर? चीटिंग करना क्या मामूली काम समझती हूँ? चीटिंग हर कोई नहीं कर सकता। आप कर सकती हो चीटिंग, बोलिए। आपने ये एग्रीमेंट शब्द सुना होगा। एग्रीमेंट की खोज दरअसल इन चीटर लोगों ने की है। ओह। पहले तो बस जबान से काम होता था, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। इन टोपी बाजों का साउथ अफ्रीका में तो बाकायदा एक शहर है। कौन सा शहर? कैप टाउन। या फिर भी भैया, कोई ढंग का लड़का होगा तो दिखाओ। आपको इसी बेटी की हल्दी की जल्दी है ना? अच्छा 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 अच्छा। ये रहा एक और दामाद, बाजीराव लियो पकड़ लियो। एक नंबर का जुआरी है। जुआरी? आप चौंकती क्यों हैं? जुआरी बनना मामूली बात नहीं है। आप जुआ खेल सकती हैं, हैं? बहन, ये आपकी बेटी को भले गेहूं की रोटी न खिला सके, मगर जुआरी की रोटी तो खिलाएगा ही। तो भी भैया, कोई ढंग का लड़का दिखाओ। कैसी बातें कर रही हो ताई? आपको भी तो बगैर दहेज वाला लड़का चाहिए, तो बगैर दहेज वाले लड़के यही उपलब्ध है मार्केट में। भैया, मेरा बेटा टैक्सी चलाता है, कोई टेक्सटाइल मिल नहीं चलाता। दिन भर मेहनत करके बेचारा जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता है, और वो भी आजकल बंद है क्योंकि मेरा बेटा गाने के प्रोग्राम में अपना भाग्य आजमा रहा है। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम? देश की शान। जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। अरे जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। बैलेंस जो खोया अगर, डूबेगी तेरी नैया। जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। अरे जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। डोनेशन बिना यहाँ नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो प्यारे छोकरी नहीं। ओ प्यार व्यार इश्क विश्क सब बाद में, प्रोग्रेस को रखना सदा याद में। मेहनत से रहो अड़े तुम, बनो सबसे बड़े तुम। मेहनत से रहो अड़े तुम, बनो सबसे बड़े तुम। दुनिया करेगी ताता थैया, हो ताता थैया, ताता थैया। जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। बच बच के चलो भैया, बच बच के चलो भैया। बच बच के चलो भैया, बच बच के चलो भैया। बच बच के चलो भैया, बच बच के चलो भैया।
ताश काट कर जोरदार तालियां। देखो ये है रिजल्ट टाइम, यानी जानने का मौका कि हु इज द विनर ऑफ द शो। इसके लिए मैं अपने जजेस को स्टेज पर बुलाऊंगा, श्रवण राठौर जी और रविंद्र जैन जी। हमारी पहली परफॉर्मर जो थी वो थी सुनिधि घोषाल। जोरदार तालियां फॉर सुनिधि घोषाल। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं यो यो बाली सिंह, गिव हिम अ बिग हैंड। ये लिफाफा है, इसमें छुपा है वो राज। तो राज की बात है तो मैं चाहूंगा कि फिल्म राज के संगीतकार ही ये राज खोले। और एंड द विनर इज प्रकाश काटकर। सुपर तालियां, वंडरफुल, प्रकाश काटकर को मिलता है पूरे 25 लाख का चेक। और बाद में वो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। वाह मेरे दोस्त, कमाल कर दिया। क्या बात है, इतना बड़ा चेक बैंक की बाउंस हो जाएगा। आइए प्रकाश जी, एक्सक्यूज मी, अ फ्यू क्वेश्चंस प्लीज। तो दोस्तों, वायरलेस फोन की कभी तार नहीं होती, वैसे ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए प्रकाश जी से पूछते हैं कुछ सवाल। प्रकाश जी, इतना बड़ा शो जीत कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी ये तो मेरे लिए ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात है। सो डियर ड्रीम बॉय, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करने वाले हैं? रकम 25 लाख की है और सपने 50 है। लेकिन कट पिट कर तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे शायद। कटेंगे क्यों? क्यों कटेंगे, हम नहीं कटने देंगे। लगता है इन्हें टीडीएस और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ वैसे ये पेमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, सिर्फ हमारे चैनल पर प्रकाश जी ये बताने वाले हैं कि इतनी बड़ी रकम का, इतना बड़ा प्राइस मनी का वो करेंगे क्या। ओके सबसे पहले तो मैं मेरा 6 महीने का भाड़ा दूंगा, मेरे मकान का किराया। तो आप देख सकते हैं प्रकाश जी किराए के घर पे रहते हैं। उसके आगे? उसके आगे फिर मैं खुद का घर लूंगा। वाओ, खुद का घर लेने वाले हैं प्रकाश जी। तो प्रकाश जी, आप अपना सपनों का घर कहाँ बसाने वाले हैं? नाला सोपारा ईस्ट, ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या बात है। वाओ, ये ईस्ट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए वेस्ट और भी महंगा है। चलिए प्रकाश जी, आगे और क्या करेंगे आप? इसके बाद मिडिल ईस्ट के हर मिडिल क्लास भाई का सपना उसकी छोटी बहन की शादी है। हाँ, उसके बाद मेरा एक और सपना है, किराए की टैक्सी चला चला के थक गया हूँ मैं, खुद की टैक्सी लूंगा और उसे किराए पे चलाऊंगा। वाह, इसे कहते हैं टैक्सी टू टैक्स तक का सफर। हाँ। प्रकाश जी, आखिरी सवाल। हाँ। इतने बड़े शो जीतने का श्रेय आप किसको देने वाले हैं? देखिए, ईश्वर के बाद धरती पे मेरे दो ही भगवान हैं, एक तो मेरी माँ और दूसरे हमारे आदरणीय संगीत गुरु तार सिंह इंदौरी। संगीत शक्ति है ईश्वर की। हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। धनी सा गा धनी सा नी नी दा भगा भले सा सने ने दा मा पता गा मगर सारे नी सगा मा तानी माली दा मगा मा मगर सारे नी सगा मारे सा। रागिनी जी, अंदर कमरे में जाके ये राग थोड़ा और रियाज करो। जी। बेटा शान जी, गुरुजी जरा ले आओ पान।
गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है। उधार लेके आओ, उधार होगा तुम्हारा। लाए गुरुजी। बेटा सोनू। जी गुरुजी। क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहा हूँ गुरुजी। तो पोछा लगा जी। पोछा बरामदे में लगा। गुरुजी जा जा, उसकी गोद में बैठ रहे हो, जाओ बेटा मिका। जी हाँ गुरुजी। जरा दो चाय बोलना मिका। अभी लेके आता हूँ गुरुजी। राहत। जी गुरुजी। समोसा खाने की हो रही है चाहत। अभी लाया गुरुजी। चार लाना चार, दो मेरे लिए और दो मेरे लिए। जी गुरुजी। और आप लोग समझ गए। समझ गए गुरुजी। चलो जा 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 जाओ 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 जा जा जा। मोरे भैया मोरे भैया मरोड़े मरे मो मैया। अरे ये क्या कर रहे हैं सर? इसे प्यार कहती हैं। आओ प्यार करें। अभी नहीं। तो कभी। अब पहले तुम मुझे चांस दो, फिर मैं तुम्हें चांस दूंगी। अब बताओ ना, मुझे प्लेबैक सिंगर कब बनाओगे? अरे पगली। चांस तो तुम्हें ऐसे अभी दूंगा। ये बॉलीवुड में जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ना, सारे मेरे चले हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ मालूम? तुम अभी संगीत की गहराई में डूबना सीखो और यस करो। अरे रुकिए ना। अब क्या, ये तुम मौके पर रोकती हो। अब आप ही बताइए ना, कब तक मैं उस खड़ूस आंटी के घर किराए के मकान में रहूंगी? हमारा भी तो अपना घर होना चाहिए ना। कम ऑन, ये दिल भी तो तुम्हारा ही घर है गुरुजी। कौन है ये मनुष्य जो हमारे मिलाप में गंदा आला पला? कौन है यह मनुष्य? कौन है बेटा? गुरुजी हम हैं नरेंद्र। चंचल। चल चल। गुरुजी एक खुशखबरी है। क्या क्या खुशखबरी है? प्रकाश ने देश की शान जीत ली है और वो अभी आपसे यहाँ मिलने आ रहा है आपका आशीर्वाद लेने। देखा। अरे आखिर चेला किसका है? उसे जीतना ही था। मेरा और उसे 25 लाख का इनाम भी मिला है। जल्दी बुलाओ उसे और उसके स्वागत के लिए राम दरबार सजाओ जल्दी। हैं? मैं अभी आया। ये बंदी बंदिश तैयार करके आया मैं। जी गुरु जी। चल चल चल। भैया खुश होते हो तो ऐसे लगते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अपने प्रिय शिष्य के जीत पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आनंद। मेरे इस प्रिय शिष्य ने देश की शान इस कार्यक्रम में पहला इनाम प्राप्त करके मेरी प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा है सारा आसमान जो है वो सुरीला हो गया है। ये सब आप ही की कृपा है। आपने मुझ जैसे मामूली टैक्सी ड्राइवर को मुफ्त में संगीत सिखाकर आज मेरी लाइफ बना दी। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी लगन, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत से ही तुमने पाया है बेटा। कृपा है हमारे गुरु कृपा शंकर जी के, उन्हीं की कृपा से सरकारी मान्यता प्राप्त ये गुरुकुल में आज एक दर्जन चेले हैं। एक दर्जन चेले हैं या केले हैं? Shut up. सर 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 सर, एक बात और, अपने प्रिय शिष्य के फाइनल कॉम्पिटिशन पर आप नजर नहीं आए, क्यों सर? मैं आत्मा से तो वहीं पर ही था और मेरे इर्द गिर्द इतने सारे शागिर्द, अब सबको साज सिखाते सिखाते मेरी तबीयत नासाज हो जाती है। क्या करूं, उम्र है। बेटा अब तबीयत मेरी हरी भरी हो गई है। गुरुजी क्या मैं अपने हिस्से का काम कर लूं, बर्तन और कपड़े धो लूं? नहीं नहीं बेटा, आज से तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे बेटा। आज से तुम्हारा काम जो है वो
उदय सर 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 तू करेगा बेटा। बेटा आज खुशी के मारे मेरे तन बदन में तबले बज रहे हैं बेटा, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में मिठाई बांटूं मैं। ए मिठाई। अवश्य गुरुजी आप सब में मिठाई बांटिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे घर जाना पड़ेगा। क्यों बेटा? आपके आशीर्वाद से गुरुजी आज मेरी छोटी बहन गायत्री को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। देखिए बहन जी, लड़की तो आपकी बहुत सू 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 है। इनके कहने का मतलब है जी, लड़की सुंदर है, सुशील है, सू से संस्कारी है। और हमें पसंद है। क्यों बेटे, तुम्हें पसंद है? ओके डैड, चला लूंगा। चलो फिर बहन जी, सब बातें तो हो गई हैं, अब जरा दहेज का मामला भी क्लियर कर लें हैं जी। भाई साहब, आप और हम तो एक से हैं, फिर ये दहेज की बात? दहेज नहीं तो दक्षिणा समझ के दे दीजिए। हम 3 लाख लेंगे। भाई साहब वो नहीं। नहीं कोई भाई साहब नहीं, इस मामले में मैं किसी का भाई साहब नहीं हूँ। आप मेरे को बताओ, आपको मंजूर है हाँ या ना? मंजूर है, मुझे मंजूर है। कैसे? माँ देख देख, माँ तेरे आशीर्वाद से मैं देश की शान जीत गया माँ, ये है मेरा इनाम। वाह 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 वाह, भाई हो तो ऐसा। बहन जी अब तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ और शादी की तैयारी करो। चलो बहन जी, मतलब भाग्यवान, चलो चलो बहन जी तैयारी कराओ शादी दी है जी, चलो चलो चलो। भैया ये क्या माँ, इतनी खुशी के मौके पे तुम्हारी आंखों में आंसू? प्रकाश ये तो खुशी के आंसू है बेटा, तेरे बाबूजी बहुत बड़े गायक थे और पता है तुझे, एक दिन उन्हें बहुत बड़ी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला और दूसरे ही दिन उन्हें पता चला कि उन्होंने सारे गाने किसी और सिंगर से गवा लिए। इस सदमे ने उनकी जान ले ली। उसके बाद बेटा गरीबी और बदहाली का ऐसा दौर चला बेटा कि जो लोग उनके साथ दिन रात बैठने के लिए तरसते थे, उन्होंने हमारा फोन भी उठाना बंद कर दिया। रो मत माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि दोबारा हमारी जिंदगी में अब कोई दुख ना आए। सेन इंदौरी शर्म कर, 20 साल से इस सरकारी मकान में पड़ा है, क्या मिला तुझे है? हीरे की कीमत लगाते हैं बाजार में लोग, लेकिन हीरे को जो तराशता है उसकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है इस बाजार में। क्या औकात है तेरी? कल का सिखाया हुआ लौंडा आज लाखों में खेल रहा है, लाखों में। 20 लाख का असली मालिक तो मैं ही हूं। तारसेन अब तबला हारमोनियम बजाने से कुछ नहीं होगा, कुछ और ही बजाना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है, मछली जल से नहीं छल से पकड़नी पड़ेगी। आप लोगों का क्या बजट है? 10-12। 10-12? 10-12 में तो 2 बंगलों आ जाएंगे भाई। नहीं नहीं नहीं, 10-12 लाख। जी समीर, वो 1 BHK की फाइल ला भाई। अच्छा कितने का है जी वो? 15 लाख। अगर 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगा तो 12 में सौदा हो सकता। हो जाएगा, हो जाएगा। गुरुजी का फोन आया। हो गया जी। हाजी गुरुजी, हाजी गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी जैसी आ गया। हाँ अभी आता हूँ। गुरुजी ने बुलाया, बाकी की बातें निपट ले, मैं मिलके आता हूँ। देखो कितना लकी फ्लैट है भाई, इधर फ्लैट की बात हो रही है उधर गुरुजी का फोन आ गया। जी नमस्ते।
हाँ जी गुरुजी, अभी गुरुकुल में पहुंचा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी ने बुलाया, फौरन चल दिया। इसे कहते हैं गुरुत्व आकर्षण। थोड़ा थोड़ा काम में फंस गया था मैं जी, ऑटो पकड़ के आता हूँ, आप ही के पास आ रहा था। अरे 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 प्रकाश जी, क्या राज छुपा है इस रफ्तार में? हम पर भी गौर कीजिए, हम भी है कतार में। ओ सॉरी परमा जी, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए आपको देख नहीं पाया। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जो बिल्डर लोग हैं ना, ये हमारे बॉस के पता नहीं कितने दूर के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। हर साल बॉस को एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं और बदले में हमें न्यूज बनाकर चैनल में दिखाना पड़ता है। कभी घर घर का सपना जल्दी होगा अपना, तो कभी स्वर्ग से सुंदर अपना भयंदर। लेकिन प्रकाश जी, आप यहाँ क्यों और कैसे? जी इन्हीं बिल्डर की तरफ से मैंने एक छोटा सा फ्लैट बुक किया है। चलिए इस बात पर ना मैं एक शेर सुनाती हूँ आपको। परमा जी, आपका ही शेर मुझे उधार रहा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, मैंने हमेशा आपको टीवी पर अच्छे अच्छे शेर सुनाते हुए देखा है, न्यूज पर बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपके शेर ज्यादा सुंदर है या शेर सुनाने वाली है शेरनी। कमाल होते हैं। बाय। ओए क्या शूट कर रहा है तू? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, चल। मेरे रेड़ो, मेरे लाल। समझ गए गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मेरे रेड़, मेरे लाल, जीते रहो बेटा। अचानक बुलाया गुरुजी, सब ठीक तो है? मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि ये सरस्वती के बेटे को लक्ष्मी की उपासना करनी पड़ रही है। बेटा बेटा तुम्हें तो पता है मेरा गांव जो है वो चार हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा था उसे आग लग गई, दूसरे हिस्से में बाढ़ आ गई, तीसरे हिस्से में तूफान आया और चौथा हिस्सा है वो भूकंप से तहस नहस हो गया। बेटा ये क्या कह रहे गुरुजी? मेरा पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो गया, मेरे परिवार पे बड़ी विपत्ति आ गई है बेटा। मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता है बेटा। कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख। प्रकाश 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 चला गया। प्रकाश जी गुरुजी। प्रकाश बेटा तुम हो ना? हाँ ना बेटा। देख बेटा, देखो देखो तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें 15-20 दिन में लौटा दूंगा। बस ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा बेटा, प्लीज। परंतु गुरुजी मैं घर पे। बेटा देखो मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ बेटा, प्लीज ना मत कहना बेटा। गुरुजी प्लीज, 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 प्लीज। ठीक है गुरुजी, कल 20 लाख रुपए मैं आपको लाकर दे देता हूँ। देखो देखो प्रकाश, प्रकाश आ गया बेटा। आज तूने साबित कर दिया कि अर्जुन और एकलव्य जैसे शिष्य आज इस कलयुग में भी जिंदा है। बेटा देख, ये बात किसी से नहीं कहना, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। तुम्हें संगीत की सौगंध बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, मैं कल समय पे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू बेटा। अरे 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 बेटा, धन्यवाद बेटा। वाह गुरुजी वाह, आपने तो साबित कर दिया कि आप वाकई में महागुरु हैं। लगता है बहुत जल्द हम अपने मकान और मकाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक से देख बेटा, इन सब की उधारी चुकानी है। जी माँ। अरे हाँ, ये लड़के वालों का सुबह से 3 बार मिस कॉल आ चुका है, दहेज के लिए बात करना चाहते होंगे। मैं कर लूंगा माँ। हाँ और सुन बेटा, तेरे पैसे आने वाले हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करना बेटा, और किसी को बताना मत। अरे कोई है? नमस्कार। जी सेवक राम जी।
काय भैया इतनी मस्ती काय हो रही है? काय कछु लॉटरी फंस गई का? हमरे भी लॉटरी फंसवाई दो और 6 महीने का किराया बाकी है बस दिलवाई दो। काहे के रुपया गिर रहो, दिमाग फिर रहो, देखा कर रहो। सेवक राम जी, 15 दिनों में ही मैं आपका ब्याज के साथ किराया दे दूंगा। क्या बात हुई ना बढ़िया, रुपया गिर रहा हूँ और दिमाग फिर रहा हूँ। ये एलियन आपके साथ हमेशा क्यों होता है? अरे जाके घर में बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी जमाई है, असली मालिक जई है, अपन तो केवल घर जमाई है। जा जो है हमरो साला है, इसको नाम बीरबल है। वो नाना, वो अकबर बादशाह के पास जो बीरबल हतो ना, बेथो अकलमंद और जेठेरो शकलबंद। शकलबंद क्यों? जब से जाकी बहन के साथ हमरी शादी हुई, तब से जे लोग किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और जाकी बहन का मुंह देखने लायक नहीं। एक बात सुन लो भैया, हम अगली बार फिर आएंगे और ब्याज सहित रुपया लेकर जाएंगे। काय के रुपया गिर रहो और दिमाग फिर रहो। हाँ चल साले। जी सेवक राम जी, ध्यान रखिएगा अपना। हेलो प्रकाश। हाँ प्रभा जी, कैसी हैं आप? आज शाम में ना मेरे एक फ्रेंड के गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली है। अच्छा, मुबारक हो। मैं चाहती हूँ ये गाना तुम गाओ। मैं गाना गाऊँ? कहाँ पे आना मुझे? यही रीतु स्टूडियो। बिल्कुल आ जाऊंगा, अभी पहुंच रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई, बड़ा खुश है यार, मुझे गाना मिला है, मैं स्टूडियो में गाना गाऊंगा। मुबारक हो यार। चल तू भी मेरे साथ चल। यार मैं चलता जरूर, लेकिन मुझे ना अमिताभ का मेजरमेंट लेके आना है। अमिताभ बच्चन? अबे अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ शुक्ला, भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार है। अच्छा। ऐसा वो कहता है। चल अब तू बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छे से करना है। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से। ये सर, एनी सजेशन? एनी मेनी सजेशंस? आप तो बोली थी कि सुरीला है, ये तो सुरीला है। आपकी जो सिंगिंग है ना, उसमें नजल का इफेक्ट आ रहा है। रेशम की तरह गाइए, रेशमिया की तरह नहीं। क्यों दुबे जी? अरे वही तो हम बोले थे कि हमरे भांजा से गवा लो। क्या गाता है, उसकी आवाज में तो नशा है। नशा है? ओ ये भांजा है के गांजा है? शुरू करते हैं। हाँ, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से। आपने कुछ कहा? एक मिनट, इससे अच्छा तो हमारी मिसेज गा लेती है। लेकिन सर ये गाना मेल वॉइस में है। वो मिसेज है लेकिन गाती मेल वॉइस में है। हाँ, फीमेल वॉइस में तो हम गाते हैं। आप गाते हैं कि गाती हैं? आपका नाम क्या है? उमा। उमा? उमा शंकर, बनारस वाले। हाँ समझे? हाँ ठीक है, बनारस वाले। प्रकाश तो तुम समझ गए ना सर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कट टू कट गाओ। तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। You might think that you can hunt me down, steal my juice, wear my crown, but in the end you'll find the funk smoked out face down in my trunk. I'll be all right. Friend request bheji hai, accept kar le isko, कमेंट दे दे तू प्यारा सा, लाइक कर ले मुझको, चैटिंग सेटिंग मेंशन कर ले, ऑनलाइन तू हो जा, अपनी बातें शेयर कर ले, मैसेजिंग में खो जा, नेटवर्क में कभी तो आ जा तू फ्लूक से, नेटवर्क में कभी तो आ जा तू फ्लूक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से,
तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फेसबुक से, फेसबुक से, फेसबुक से, जानम फेसबुक से। तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया हम तो फेसबुक से, मेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। अबे ये तो साइन आउट करके चली गई वे। हेलो प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी जिंदगी का पहला गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया एल्बम के लिए। बेटा पैसे कब दे रहा है बेटा? गुरुजी सबसे पहले मैं आपका ही काम करूंगा। प्रणाम गुरुजी। बगले बेवकूफ। सॉरी गुरुजी। प्रकाश, अरे क्या देख रहे हो अगल बगल में? प्रकाश यानी लाइट, लाइट जलाओ। लेकिन गुरुजी अभी तो दिन है गुरुजी। अरे बेटा अंतर चक्षु के प्रकाश सब दिन में ही जलाते हैं और दिन में ही जलना चाहिए। अब संगीत से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जी, जी गुरुजी, गुरुजी। बेटा नरेंद्र चंचल। जय माता दी। मुझे बताओ भारतवर्ष में ऐसा कौन सा शहर है जिस शहर के सारे लोग सुरीले हों? ऐसा कौन सा शहर है? भोपाल। कैसे पता चला? वो कहा है कि दुनिया कहत है सूरमा भोपाली। देताली। देताली। अगले 7 जन्म तक म्यूजिक नहीं सीख पाओगे। बैठा। अब मैं दूसरा सवाल पूछूं। जी, जी गुरुजी। एमपी का ऐसा कौन सा राजा है जो बहुत सुरीला था लेकिन एक नंबर का बेताल था? बताओ कौन था? बोलना। बताओ। नहीं पता। ये अच्छा लगा मुझे, नहीं पता। बेटा उस राजा का नाम है विक्रम, जो बहुत सुरीला था लेकिन ताल में नहीं था, इसलिए उसे कहा गया विक्रम बेताल। गुरुजी की जय हो। बोले आप मेरे लालो, और एक सवाल का जवाब दो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाने कौन सी कम्युनिटी पे बने? लाला कम्युनिटी पे गुरुजी। गा के बताओ। ला 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 ला। कहाँ से हो बेटा? गुरुजी बिहार से। अरे जियो मेरे बिहारी लाला। तब है तो ख्याल के बारे में आपका क्या ख्याल है बताओ? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल? मैं जानता हूँ गुरुजी। बताओ। बड़ा ख्याल है ने मिस्टर अमिताभ बच्चन और छोटा ख्याल है ने अभिषेक बच्चन मेरे ख्याल से। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश जा। प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा।
उदित जी गुरुजी। अरे देख तो जरा कौन आ रहा है। गुरुजी प्रकाश आ गया। प्रकाश मेरे रेड़ो मेरे लालो। जी गुरुजी गुरुजी समझ गया गुरुजी। प्रकाश समझ 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 मेरे प्रकाश। ये रहे आपके 20 लाख रुपए। धन्यवाद बेटा धन्यवाद बेटा। तुमने बता दिया, तूने आज साबित करके बताया, आज भी अर्जुन और एकलव्य जैसे शिष्य जीवित हैं इस दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया है मेरे प्रिय शिष्य। बेटा अब मैं संगीता की कसम खा के कहता हूँ। गुरुजी ये संगीता कौन है? संगीत की कसम खा के कहता हूँ बेटा, ये 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। गुरुजी आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आप बस निश्चिंत हो जाइए। आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। जुग 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 बेटा, आशीर्वाद दिल से आशीर्वाद है बेटा। वो गुरुजी कोई और भी सेवा हो तो आदेश करें। नहीं बेटे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा। आशीर्वाद दीजिए। कटधार बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में गालिब। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, दूर ढूंढो 5 मिलते हैं। ये लो अपनी जिंदगी, इसे ऐसे लॉक में लॉक करके रखना। जा तुम तो क्या तुम्हारा अब साया भी उस पर पड़ न पाए। जरूर। तेरी आंखों का जादू डे नाइट ऐसा चले भी, सच कह रिया हूँ वो है अपन की पोहा जलेबी, पोहा जलेबी। गए थे उनके लाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे। अपनी फूटी किस्मत को हम अपनी फूटी किस्मत को हम अजमाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे। के पक्के हैं, हमें भी अपने जैसा बना दो। वो है मेरी यूपी एपी, वो है मेरी एचपी, वो रहती है दिल में मेरे, वो है मेरी एमपी। तत्ता रे तत्ता, वो मोड़ी तो जादू थे। अरे वो है मेरी यूपी एपी, वो है मेरी एचपी, वो रहती है दिल में मेरे, वो है मेरी एमपी। उनको अपने दिल का सीएम, अरे उनको दिल का सीएम हम बनवाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने गए थे। अपनी फूटी किस्मत को हम अजमाने गए थे, इनके लाने गए थे उनके लाने 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 गए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना मोटा पेट, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे, कभी मैंने इधर से कोशिश करी कभी इधर से कोशिश करी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऊपर चढ़ा और फिर यूं करके कूदा और फिर यूं मापा उसको। क्या है, मैं कब से बकबक कर रहा हूं तू कुछ बोल ही नहीं रहा है, चक्कर क्या है बे? सही है भाई, लोग सही कहते हैं, आदमी जैसे जैसे अमीर होता जाता है ना वैसे वैसे सीरियस होता चला जाता है।
अभी तो पैसा आया तो ये हालत है। भैया जब तू नाला सुपारा के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा तब क्या होगा? मेरे देश की शान, तू क्यों है परेशान, बोलना। अरे ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है। ओ अच्छा हुआ भाई, तू अमीरों वाला सीरियस नहीं है, गरीबों वाला है। तेरा फोन। अबे तेरा बज रहा है। अबे कहाँ है तेरा दिमाग? सॉरी माँ का फोन। अच्छा हाँ माँ। एक काम तुझे याद नहीं रहता, क्या हो गया है तुझे? पता है लड़के वाले कितना परेशान कर रहे हैं? और सुन, इस बार तो उन्होंने मैसेज भी किया है, दहेज की रकम कब भिजवा रहे हो आप लोग? कहाँ है तेरे पैसे? माँ किसी तकनीकी खराबी की वजह से 15 दिन पैसे लेट हो जाएंगे, पर 15 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अच्छा सुन, ये सेवक राम का क्या करे बेटा? एक काम कर, पहले ना 40,000 देके उसे निपटा दे। अब तो रोज रोज सुनना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम टेंशन मत लो, 40 का इंतजाम तो मैं शाम तक करता हूँ, ठीक है? कैसे बेटा, कहाँ से? माँ हमने कितने लोगों पैसे उधार दिए, कोई ना कोई हमें पैसे उधार देगा, है ना? मैं हूँ ना। थैंक यू यार। मैं बताऊंगा किस किस से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे लेके आना है। मैं लेके आऊंगा, मैं दिलवाऊंगा तुझे पैसा अपने दोस्त के लिए। 3G नेटवर्क, चल पैसा लेने चलते। कौन सा नेटवर्क? अरे है ना, चलना चल। मरवा मत देना कहीं। ओ राजा, मेरे राजा। तू कैसा है भाई? मैं अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास। ये मेरा दोस्त है प्रकाश भाई, इसे पैसों की जरूरत है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? अरे मैं टी स्टाइल का मामूली नौकर हूँ, कोई टी सीरीज का मालिक नहीं, जो चले आए मैं उठा के भाग कैसे। अच्छा सुन, मैं तेरे को फ्री में पानी कम टिप देता हूँ, इधर तू इस चाय वाले को छोड़, तू किसी कटिंग वाले से सेटिंग कर तेरा काम। नरेश मोदे। आए सर जी, चल निकल। अरे छोड़, चल निकल। अबे बात तो सुन, लगता साला सर के बल गिरा पागल। अबे अल्लाह पे भरोसा रख, वो कटिंग 50,000। अबे मैं बाल काटता हूँ, बाल तेरे जैसे पॉकेट नहीं काटता। अबे तू पॉकेट काटता है क्या? पॉकेट क्या, मैं तो गला भी काटता हूँ, पेशा पेशा है ना अपना। अच्छा काका चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मिले मिले, ऊपर मत में। 50,000? अबे मैं पान वाला हूँ, डाकू पान सिंह तोमर नहीं। अबे चल, अबे इन गरीबों के 50,000 रुपए कहाँ से होंगे? इन बेचारों का तो साल भर का गल्ला 50,000 नहीं होगा। अबे तो इंडस्ट्री में इतना बड़ा टेलर बन के घूमता है, कोई बड़े आदमी से पहचान नहीं तेरी? ए, ये 3G नेटवर्क पूरी इंडस्ट्री में फैला पड़ा है। हाथ कंगन को RC किया और पढ़े लिखे को तेलुगु क्या? अब एक तो टाइम कम है, ऊपर से गंदे मुहावरे बोल के टाइम वेस्ट कर रहे तू। वेस्ट से याद आया, अपना एक ईस्ट मित्र है, प्रोड्यूसर दौलत राम से 50,000 लाएंगे आराम से। अबे किसी कहाँ लाया तू? अबे आना, टेंशन क्यों ले रहा, घबरा मत। बम 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 सर, ये मेरा दोस्त है प्रकाश। अरे क्या हाल है प्रकाश? बहुत भला आदमी है सर। अच्छा अच्छा सर, इसको ना सिर्फ 50,000 की जरूरत है। 50,000? अच्छा एक काम कर, इसकी स्टोरी सुना, अगर इसकी स्टोरी मुझे पसंद आई ना तो इसकी कहानी भी एक पिक्चर बना दूंगा और इसे अब भी 50,000 साइनिंग अमाउंट दे दूंगा। अरे वाह। लेकिन वो कहानी के बीच में अगर मैं सो गया तो तुम लोग जाग जाना और चुपचाप भाग जाना। तेरे को प्रूफ करना है तू टेलर नहीं, स्टोरी टेलर है। चल वन लाइन सुना, वन लाइन सुना। सर ये वन लाइन क्या होता है? जैसे सोले की वन लाइन। एक पुलिस वाला एक डाकू को पकड़ने के लिए दो चोर को हायर करता है। आगे ये वन लाइन है, सुना। एक साधारण से परिवार के एक असाधारण से व्यक्ति की उसकी प्रतिभा की असाधारण सी गाथा। गाथा सर वो। ये घर 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 का मतलब क्या है? घर घर का मतलब है घर। चल चल, मैं बताता हूँ, तू चल आ जा। चल चल। ए आनंद, खाना लगा, चल। अबे ओए, ये खर खर खराटे कोचिंग क्लासेस तो कुछ भी नहीं दिया। अबे वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के घर से सिर्फ हीरोइन निकलती है, पैसा नहीं निकलता। अबे साले तेरे मिलने वाले सब ऐसे हैं क्या? अबे मुझे तो तेरे पे भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा मत बोल यार। हाँ एक और इंटरेस्टिंग पर्सन है। हाँ। इंटरेस्ट पे पैसा देता है। हाँ। लेकिन रहता बहुत दूर है, लोनावाला में रहता है। क्यों लोनावाला में क्यों रहता है? अबे लोन पे पैसा देता है ना। अच्छा। हाँ। तो लोन पे पैसा देने वाले सज्जन का नाम क्या है? सोनू सूद। हाँ? वादा खिलाफी, सोनू सूद को बिल्कुल पसंद नहीं, समझा क्या? अब तेरे को डबल पैसा देना
रखना रे। ये कौन है? दीदी ये तो त्रिजी है। रुक। जरा। हेलो, तू उधर रुक, मैं तेरे को नीचे आके देखती है। चल बे। चल। सलाम। क्या बे? Myself थ्रीजी और ये मेरा दोस्त प्रकाश। पात्र परिचय मत दे, सीधा डायलॉग पे आ। हाँ, बोलना बोलना बोल। हमको ना 50,000 रुपए उधार चाहिए। दिए, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। हाँ। ये राशि है या मिथुन राशि? ए जोकर, जोक मत मार हाँ, वरना मैं बहुत मारती है। और तू? हाँ। तेरे पास क्रेडिट में क्या है? गाड़ी, बंगला, गहना, मतलब जमानत के बदले अमानत, कुछ तो होना चाहिए ना? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं जमान का बहुत पक्का हूँ। अब आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं 15 दिन में आपके ब्याज के साथ लौटा दूंगा, ये वादा है। हाँ जी। ओ, मैं तेरे को पैसा देगी, तू मेरे को टाइम पे वापस ही नहीं देगा। मैं कॉल करेगी, सर फोन नहीं उठा रहे, तू कॉल ही नहीं उठाएगा, है ना? मैं तेरे को ढूंढेगी, तू भागता फिरेगा, फिर एक दिन पकड़ के तेरा थोबड़ा तोड़ देगी। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा और अपना भी? और हाँ, आया किधर से तू? अंधेरी से। चल फिर कल्टी मार, उजाला आने दे। लेकिन वो मैं बोले तो बहन छोड़ डाले इसको। ए, तुम लोग बाद में फोड़ना, पहले इसका हिसाब करो। चल कल्टी मारो। चल बे भाई, अभी जाओ, मैं बाद में देख लूंगा। चले, 2 घंटे में हम कितनी ट्रेन छोड़ चुके हैं। ट्रेन तो हमारे पास आएगी नहीं, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। चलना यार, चलना। अब खाली हाथ नहीं जा सकता मैं, गुरुजी को फोन करता हूं। माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा प्रकाश, तू कहाँ पहुँचा? माँ मैं आज ही आ पाऊंगा, मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई। बेटा, जब तू उधार लेने निकला था ना, मैं तभी समझ गई थी बेटा कि तेरी आज की आखिरी ट्रेन छूट जाएगी। सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ हो? हाँ। चलो, माँ कब से बुला रही है, आ जाओ। माँ, भैया। प्रकाश, बेटा सुन, तेरे पैसे मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है? मिलेंगे भी कि नहीं? समधी जी के मिस कॉल और मैसेज भी आते रहते हैं बेटा। बेटा देख, सच सच बता। माँ, पैसे तो 15 दिन पहले ही मिल गए थे। क्या? तो कहाँ गए पैसे? गुरुजी के पास है माँ, उनके परिवार पे बहुत बड़ी विपदा आई थी तो मैंने उन्हें उधार दिए, वो लौटा देंगे। मैं उन्हें ही फोन कर रहा था, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे अब। और उठाएगा भी? अजीब बेवकूफ लड़का है तू। अरे सारे के सारे पैसे उठाकर उसे दे दिए तूने, अब वो नहीं देने वाला है? नहीं माँ, ऐसी बात मत कर, उन पे शक मत कर, उन्होंने तो माँ सरस्वती की कसम खाई है, वो लौटा देंगे। माँ कहते समझना प्लीज माँ को। माँ
भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम, लेकिन बेटा अगर उन्होंने, माँ उन पे शक मत करो, वो बहुत शरीफ इंसान है, भगवान है वो। भगवान करे, ये तेरा भगवान ना तुझे पैसे वापस दे दे बस। देखो माँ उन्हीं का फोन आया, तुम तो खाम खा उन पे शक कर रही थी। इसे कहते भक्त और भगवान का। हेलो गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं गुरुजी, मैं पहुंच सकता हूँ, अभी पहुंचता हूँ गुरुजी। जी 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 माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं पैसे लेके आता हूँ। भगवान करे बेटा, जल्दी आना भैया। हे भगवान, गुरुजी 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 मैं आगे, गुरुजी प्रणाम गुरुजी। वो क्या है गुरुजी, मैं बार बार फोन करके आपको इसलिए परेशान कर रहा था गुरुजी, वो मेरा शो था ना वो देश की शान, वो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुआ, अगर हो जाता तो मैं भी अभिजीत सावंत की तरह यहाँ वहाँ शो करके पैसा कमा रहा होता गुरुजी। ऐसा नहीं हुआ तो गुरुजी मुझे पैसे दे दीजिए। गुरुजी ये चेक दे रहे क्या आप? चेक कर लो। ये आई एम सॉरी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब मुझे माफ कर दो बेटा। मतलब? मतलब मुझे माफ कर दो। देखो क्या है, तुम्हारे पैसे भी नहीं लौटा सकता मैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दे सकता पैसा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जो पैसे मुझे दिए थे वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ बेटा। भूल जाओ? नहीं गुरुजी ऐसा मत बोलिए, ये पैसे तो मेरे सपने हैं, बहन की शादी, मेरे माँ के सपने, मैं ये पैसे नहीं भूल सकता गुरुजी। जितने भी पैसे तुमने मुझे दिए, हाँ मैंने दिए हैं, वो सारे मैंने दान पुण्य में लगा दिए बेटा। अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा थी वो, और वैसे भी गुरु सर्वोपरि होता है। बेटा अब तुम जाओ बेटा, अब मेरे विश्राम का समय हो चुका है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुजी दूर में मत आओ बेटा। गुरुजी ऐसा मत बोलिए, आपने आपने कसम खाई थी, आपने कहा था कि मुझे आप ब्याज के साथ देंगे, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए गुरुजी। अरे बेटा नहीं दे सकता, मैंने कहा ना गुरुजी नहीं दे सकता, गुरुजी लौटाइए। अरे बेटा मैंने कहा, अरे आपने तो कहा था एक रुपया नहीं लिया था, पैसे उठा लो ब्याज के साथ, दूंगा एक रुपया नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो, कौन से पैसे, पैसे दे दो, पैसे पैसे, मुझे मेरे पैसे चाहिए गुरुजी, मेरे पैसे दे दो, मुझे मुझे मैंने पैसे नहीं लिए तुम्हारे, कहां से लूंगा मैं पैसे, ले ला लो, ए ले लो, अरे ये सब क्या गया है, पगला गया है, पैसे मांग रहा है मेरे से, इसे पुलिस के हवाले कर दो, पागल हो गया है, सतिया गया है बेवकूफ, मेरे मेरे बात पैसे मांग रहा है। हार्ट का पेशेंट हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा शिष्य है और ये कह रहा है कि इसके 20 लाख रुपए मैंने चुराए हैं। अब मैं ठहरा संगीत का उपासक, भला मैं अपने शिष्य से पैसे क्यों लूं? क्यों, किस आधार पर तुम इन पर आरोप लगा रहे हो, कोई सबूत है? इस आदमी ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए, मैंने अपने हाथों से इसे दिए साहब। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई लिखा पढ़ी हुआ है, कोई कागज पत्र है, कोई स्टिंग ऑपरेशन, कोई डीबीडी, क्या सबूत है, कोई एमएमएस, एसएमएस? मगर साहब मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने सचमुच इन्हें 20 लाख रुपए दिए हैं। इन सारे लालों से पूछिए बेटा, कभी भी मैंने 1 रुपया भी आपसे लिया है? गुरुजी हमसे कुछ नहीं मंगाए कभी, चाय भी नहीं, पान भी नहीं, समोसा भी नहीं। हवलदार सर, ले चलो थाने, बंद करो हवालात में, लगाओ 4 डंडे, दबाव ठिकाने आ जाएगा इसका। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बेचारे को मत लेके जाइए, जैसा भी है मेरा विद्यार्थी है, एक तो उसका फ्यूचर भी डार्क है और फ्यूचर भी डार्क हो जाएगा। हैं? कितने शरीफ आदमी है, बड़े नसीब वालों को ऐसे गुरु मिलते हैं और तुम इन्हीं पे आरोप लगा रहे हो। जी जी जी, पैर पकड़ो और माफी मांगो। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। इंस्पेक्टर साहब मैं इसके दिमाग की शांति के लिए एक विशेष यज्ञ कराऊंगा,
आप एक काम कीजिएगा, इसके दिमाग के लिए कोई विशेषज्ञ ढूंढ के लाइएगा। जी बस देखो, जीवन में कभी भी शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना, कभी शॉर्टकट लिख के देखो, नंबर वन भी नो वन हो जाता है। इस संसार में अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, किसी पर विश्वास नहीं रहा, विश्वास रहा है तो केवल उस परमात्मा पर। मरा 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 सुना आपने, मरा मरा कह रहे, सुना आपने, मरा मरा नहीं, राम राम। सर गुरुजी बड़े शरीफ लग रहे हैं। इसीलिए तो शरीफ के चक्कर में फंस गया। आजकल जरूरत से ज्यादा शराफत भी बहुत बड़ा क्राइम है। सर मेरी बात देख लीजिए सर, ये आपको खुलेआम धोखा दे रहे हैं। हवलदार बाहर निकालो। सर सर ये, सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनके बात का यकीन मत कीजिए सर। चलना सदा ध्यान से, वरना तू जाएगा खुद जान से। जिससे लगाओगे तुम मन यहां, उसको ही पाओगे दुश्मन यहाँ। हाथ मेरे से अच्छी नहीं, ब्लाइंड फेथ सच्ची नहीं, ऐसी है ये भूल भुलैया, भूल भुलैया। एक पहिया बच बच के चलो भैया, जीवन है एक पहिया बच बच के चलो भैया। बैलेंस जो खोया अगर बाबा, ये लंगड़े को पैसा देना, ये 10 रुपए देना, ये टूटे हुए घुटने कसम, ये बाबा देना पैसा, ये 10 रुपए देना, ये देना, ये 10 रुपए देना, 10 रुपए पैसे चाहिए तुझे? हाँ, हाँ। तुझे भी पैसे चाहिए? हाँ, हाँ। 10 रुपए चाहिए? हाँ। चेक लेगा या कैश लेगा? हाँ। हाँ। चेक लेगा या कैश लेगा? और अगर कैश लेगा तो कोई सबूत दे सकता है? सबूत? ताकि मैं जब ये साबित करना चाहूँ कि मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे तो वो गवाही दे सके, दे सकता है तू? कोई सबूत, कोई एविडेंस दे सकता है तू? कोई है, कोई तेरे साथ खा रहेगा, कोई ऑडियो वीडियो? होश में नहीं है क्या? हैं? तुझे हो क्या गया है? अगर वो ट्रक तुझे कुचल के चला जाता तो? अपना ख्याल नहीं तो माँ और गायत्री के बारे में तो सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? हैं? क्या पागलपन है यार, चलना। समझाया था ना तुझे? अरे इस दुनिया को समझ, अंधा विश्वास मत कर। तू तो उसे भगवान समझने लगा था। चल चल पुलिस के पास चलते हैं।
अरे आंटी जी, पुलिस के पास जाके क्या होगा? कोई सबूत भी तो नहीं हमारे पास। अब तो अल्लाह का ही भरोसा है बस। समझ में नहीं आता क्या करूं। प्रोमा जी, हेलो जी, जी प्रोमा जी, इश की कोड़ा जाए। देखो ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ सबूत भी नहीं है हमारे पास जो हम दिखाए। ये केस तो बहुत ही उलझा हुआ है। मैं प्रोफेशनली तो नहीं लेकिन पर्सनली आपके साथ हूँ, लेकिन हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, उस गुरु घंटाल के घर में मच्छर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, अगर वो ये ना बना डेंगू से तो मर जाएगा साला। ये बोलो तो उसकी ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। कैमरा तैयार है। सी गाइस, तुम दोनों ऐसे कोई बेवकूफी नहीं करोगे जिससे हम फंस जाए, समझ गए? तो फिर क्या करें परोमा जी, अपने आप को कमजोर मानकर हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे? साला टीचर के नाम पे चीटर निकला। 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। बहुत छोटी रकम होती है 20 लाख रुपए। शौक फरमाएंगे आप? थैंक यू। आप तो दोस्तों, माचिस है क्या? लाइटर है। हाँ तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक दिन में 20 लाख रुपए कमाने का तरीका बताऊं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बताइए बताइए। आप सुनिए, 4-5 चाय और 5 सैंडविच और मेरा बिल भी इनके बिल में जोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने लिए मंगवाया है। हाँ तो मैं बता रहा था कि कैसे बनते हैं करोड़पति, जरा करीब आइए। इसके लिए सबसे पहले आपको 7,000 देकर हमारी कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा, और फिर 4 दोस्तों को मेंबर बनाइए, और उस 7,000 में से हमारी कंपनी आपको देगी 5,500 के अपने प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ते चले आएंगे वैसे वैसे ये धनराशि भी 1500 से 15,000, 15,000 से 15 लाख, और एक दिन यही 15 लाख 15 करोड़ रुपए बन जाएंगे। बस आप एक ही साल में करोड़पति बन जाएंगे। एक साल में? जी। वैसे चचा, आप कितने साल से इस फील्ड में? मैं इस कंपनी में 11 महीने से हूँ। वो सैंडविच वाला नहीं आया अभी तक। चचा, जब तक सैंडविच आता है आप ना एक बार डिटेल में फिर से ये स्कीम समझाइए। क्यों नहीं, दिस इज माय बिजनेस। मैं तुम्हें बता रहा था करोड़पति कैसे बन सकते हैं। यस सर। और एक दिन में 20 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। हाँ तो सबसे पहले आप 7,000 रुपए देकर हमारी कंपनी के मेंबर बन जाइए, और देखिए कहाँ पे साइन करना कहाँ नहीं करना मैं बताता हूँ। ये यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है, और अबे सालों चाय तो पिला जाते हैं। ओके मुझे मेल कर देना। अबे तुझे तो अब ऊपर वाला भी मेल नहीं कर सकता। स्टूपिड। आजा। यस। ओए, जल्दी से अपने गुरु का नंबर दे। क्या करेगा तू? आज तेरे उस महान गुरु का नंबर शहर के सारे पब्लिक टॉयलेट पे लिखा होगा, और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा एक इनविटेशन। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एवरी नाइट। बहुत सताया तेरे गुरु ने, हैं? बहुत परेशान किया उसने। आज उसको ऐसे ऐसे हरामियों के फोन आएंगे कि उसका खुद का जीना हराम हो जाएगा। गुरुजी, आज बनेगी तुम्हारे दिमाग की भुर्जी। हैं? ला, ला जल्दी से फोन नंबर दे। जल्दी नंबर दे। गुरु बना फिरता है। हेलो। अभी भी पब्लिक बाथरूम से आ रहा हूँ। तुम्हारा नंबर मिला और अपने बाथरूम से बोल रहा हूँ। नंबर जेन्युइन है ना? मैं संगीत गुरु हूँ। तुम संगीत गुरु? मैं बाथरूम सिंगर। दोनों मिलकर ऐसी सुर ताल की महफिल जमाएंगे, तुम्हें रोज मेरी याद आएगी। चुप, ढक के बोल। हेलो हेलो, नारा सुबारा से बोल रहा हूँ। 1 घंटे का क्या लेगा? फोन रखेगा अभी, नहीं तो तेरा नाला साफ कर दूंगा मैं। रख फोन। How are you? I am a music teacher. How are you? बोला था stupid. Who are you? नहीं. बीच वाले लोग मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हम हैं आमिर खान, हमको है तेरी तलाश।
आओ मचाते हैं धूम फ्री। रख 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 फोन रख फोन रख। ला 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 ला। हेलो, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हैं? ओ माय गॉड, केलों को में भी गुरुजी आ गए। यस। लिसन, गुरुजी, हम ना गुड़गांव में एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। मैं ना आपको अपने माप का लहंगा चुन्नी भेज रहा हूँ। वो ही सेम आप पार्टी में पहन के आएंगे। क्योंकि वी आर सेम लेंगे। तू फोन रख, नहीं तो तेरा लिंग बदल दूंगा मैं। रख। लगता है फोन काट दिया। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हाय जान। एक बात है भाई, इन दो तीन दिन में लोगों ने तेरे गुरु घंटाल की घंटी बजा बजा कर अच्छे खासे अंकल को आंटी तो बनाई दिया होगा। लेकिन गुरु, वक्त आ गया है। तेरा गुरु अपने मुंह से खुद अपने गुनाह कबूल करे, हम उससे गुनाह कबूल करवाएंगे। ठीक है? कैसे यार? कैसे? आज, आज। ओए, मुझे एक भूतिया आइडिया आया। मुझे देख के ना वो दे। नजदीका अबे फिजिकली नहीं, मेंटली गरीबा। कितने साल पहले? अबे साल नहीं, इसी महीने। इसी महीने? याद है मेरा एक शिष्य है। बोल बोल, क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया तूने उसके साथ? बोल बोल बोल, मेरा एक शिष्य है। हाँ शिष्य, बोल जल्दी बोल। लाइट चल गई। भाग। साला, मुझे डर है। प्रकाश, तेरी चाल है ये। भूतनी के मैं तेरा गुरु। क्या हुआ माँ? माँ, माँ तुम रो क्यों रही हो? वही हुआ बेटा, जिसका डर था। क्या हुआ? दहेज के कारण तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। ये नहीं हो सकता। मैं अभी उनके पास जाऊंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, उनके पांव पड़ूंगा, लेकिन अपनी बहन का रिश्ता टूटने नहीं दूंगा मैं। नहीं भैया, अगर आपने सर झुकाया तो मैं जिंदगी भर सर उठा के नहीं जी पाऊंगी, समझे? और वैसे भी इन दहेज के लालचियों के यहाँ मुझे शादी नहीं कर रही। हे भगवान। अरे ओ प्रकाश, देश की शान। अरे काय ओ लखपति। अरे रुपया गिरो और दिमाग फिर रो। इतना सन्नाटा काय पसरो है भैया।
हम कछु रीजन न पूछूंगा, हम तो सूचना देने आया हूँ कि रीडेवलपमेंट को नोटिस आ गओ। अब यहाँ टावर बनेगो टावर, तो 7 दिन दे रहो भीख में, मकान खाली कर दियो इसी बीक में। सेवक राम जी, मेरी बात ना हम तो कछु ना सुनूंगा, काय के रुपया गिर रहो और दिमाग फिर रहो। सेवक राम जी, गौर से देखिए इन आंखों को, ये आंखें कुछ जानी बेजानी सी लग रही हैं। जी हाँ, आंखें कुछ तरह तरह सा लग रहा है। आपके पास भी है, उन्हीं आंखों से देखिए, पहचानिए, बताइए ये दो सुपरस्टार्स कौन है और जी जाइए 20 लाख रुपए। दो सुपरस्टार्स कौन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप फोन उठाएंगे, नंबर दबाएंगे, क्योंकि मेरा करण अर्जुन आएंगे। अरे ये तो मैंने आपको क्लू बता दिया, अब तो आपके लिए बहुत आसान है बताना। जल्दी से कॉल कीजिए, सोचिए और पाइए इनाम में 20 लाख रुपए। वाओ, यानी कि 2 पे 6। अब मैं जानता हूँ, ये शाहरुख खान सलमान खान है, मैं जानता हूँ, पहचान गया मैं इनको। प्लीज मुझे इनाम दीजिए। क्या पता आप घर बैठे बैठे लग सकते हैं जाए। आराम से कॉल कीजिए, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। जल्दी है तो बस इस बात की कि आपको हमें जल्दी जल्दी लखपति बनाना है, तो देर किस बात की है, जल्दी फोन उठाइए और बन जाइए लखपति, क्योंकि वेयर देयर इज अ विन देयर इज अ विन। फोन घुमाइए, क्या पता हम आवे का फोन उठा ले। 20 लाख का झांसा देखा, बड़ी रकम है, तेरा पूरा बैलेंस खा गई। चुड़ैल इंडिया, चक दे फटे। लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय। जाइए। हाँ जी, लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय। लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय। सवर जाएंगे बुरे से बुरे हालात जब लतारू बाबा मारेंगे आपके पीछे लात। तो बोलिए लतारू बाबा की जय, लतारू बाबा की जय। बाबा बाबा गुजराती गुजराती बाबा। प्रणाम बाबा। बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, बीच वाला। हाँ बाबा। नॉर्मल बाबा की जय, नॉर्मल बाबा की जय, नॉर्मल बाबा की जय। राकेश, क्या समस्या है तुम्हारी? खाया पिया अंकल लगता नहीं, मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ बाबा। अब इसे क्या गोली दूँ? मिल्खा सिंह क्यों आ रहा है भाई? टैक्स फ्री है ना बाबा, इसीलिए। हाँ, 15 किलोमीटर रोज दौड़ा करो, कृपा आएगी। बाबा लेकिन दौड़ने से तो आदमी पतला होता है ना? हाँ, 15 किलोमीटर रोज उल्टा दौड़ा करो, कृपा आएगी। लेकिन बाबा वो भगा, चल चल बस हो गया। भाग मिल्खा भाग, धंधा खराब करेगा तू। नॉर्मल बाबा की जय, नॉर्मल बाबा की जय, नॉर्मल बाबा की। नॉर्मल बाबा की। इन्हें कभी माफ मत करना, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हेलो, हेलो सर, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं, क्या आपको लोन चाहिए? लोन चाहिए मुझे 20 लाख का, दे सकती हैं आप? सर आप क्या करते? पहले मैं टैक्सी चलाता था, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कल से फिर टैक्सी चलाऊंगा। हेलो, हेलो, काट दिया। हेलो, मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, दे सकती हैं आप? मैं कहाँ से देगी 20 लाख? अबे ये घोटाला क्या है, मैं 3G हूँ, 2G नहीं। ये जो अपने इलाके के विधायक है ना, सत्यदेव चौबे, हाँ हाँ, उनके यहाँ चला। सर आपका फोन। अरे मेरा फोन तेरे पास कैसे आया? वो सुन बे, हीरो बनने आया ना? या हीरो ही बनना, जीरो नहीं, समझा? हीरो, चलो 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 भैया जी को मनाओ, तभी तो लड़ पाओगे। चलो 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 चलो।
अबे मरवाएगा, जल्दी आ। भैया जी, भैया जी हमें बचा लीजिए, हमारे एनकाउंटर का आदेश निकल चुका है भैया जी। अरे 24 मर्डर, 27 अपहरण और 19 रेप है, तो एक एनकाउंटर तो तुम्हारा भी बनता है ना भाई। पर भैया जी वो सब तुमने आपके कहने पर किया था। हाँ तो क्या हुआ है? अब हमारे कहने पे गिरफ्तार हो जाओ। पर देखो, तुम और तुमरे जैसे 4-5 लोगों को गिरफ्तार करवा के हम जनता से कहेंगे, क्या कहेंगे, जनता से कहेंगे देखो हमने अपराध को जड़ से खत्म कर दिया हूँ। नहीं नहीं, फिर क्या होगा, हम पब्लिक की नजर में हीरो बन जाएंगे और हीरो बनने के बाद चुनाव में हमारी जीत पक्की। पंडित जी भी बोल दिए है। भैया जी हमने कहा, हमने मालूम है तुमको कितना रिस्क ले रहे हैं हम, हमारी अरबों खरबों की संपत्ति ब्लैक मनी हम शो कर रहा हूँ, वो भी इनकम टैक्स के साथ, क्योंकि हमको मालूम है कि चुनाव जीतने के बाद इससे 10-20 गुना हम कमा लेंगे। और फिर जांच का क्या है, अरे हम जैसे लोगों की तो जांच होती ही इसलिए है कि हम पर कोई आंच ना आए। एक राज की बात बताएं, अरे हम तो कोठे पर भी सरकारी कोटे से जाते हैं। लगा ताली लगा लगा। भैया जी हमें एक मौका दीजिए, हम चुनाव में बहुत काम आएंगे आपके। एक लवे ने अंगूठा दिया था, अंगूठा, और तुम इतनी सी जान नहीं दे सकते। दो तुम मुझे खून, दो हम तुम्हें आबादी दूंगा। दुबे जी मीडिया के सामने इसे गिरफ्तार करवा दीजिए। भैया जी हम कह रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे, आप हमें एक चांस तो दीजिए। भैया जी देखिए हम आपके काम आएंगे चुनाव में। भैया जी हम कह रहे हैं आपको हम आपके चुनाव में काम आएंगे। भैया जी ठीक नहीं कर रहे आप। भैया जी आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। जो आपने नगर सेवक के चुनाव के लिए प्रत्याशी बुलाए थे वो बेचारे सुबह से आपका वेट कर रहे हैं, एक बार जरा देख लें आप। अहसान जिगुर जरा। नमस्ते भैया जी। भैया जी ये है फ्लॉप अभिनेता। अच्छा, इसलिए अभिनेता बनना चाहते हैं जी। अभिनेता क्या खासियत है आप में? भैया जी मैं अमिताभ बच्चन और सोना 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 श्रीदेवी दोनों जन का मैं आवाज निकाल सकता हूँ एक साथ। अच्छा वाह भैया जी वाह, एक गले से दो दो आवाज है, यानी के दो गला। बिल्कुल सही, और क्या चाहिए राजनीति में। हाँ ठीक है, तो तुम बाहर जाके बैठो, हम बताते हैं। चाचो बैठो जी। ए दूसरा, ये है मोटा भीम, ये पहलवान है। ये पहलवान और राजनीति का क्या संबंध है भाई? पहलवान और नेता में सिर्फ एक ही नीति होती है, वो होती है कूटनीति। क्या बात है, बैठिए हम बताते हैं। कूट कूट के नीति भरी हुई है। आइए जलेबी भाई। राम 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 राम। नहीं नहीं भैया जी, राम राम कह रही हैं। अच्छा राम 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 राम। आपका ना हमको नाड़ा ना बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया जी नारा नहीं, ये अपनी पार्टी के नारे की बात कर रही है। ओ, 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 नारा। और ना आप ना हमारे बहुत ही दड़ियल हीरो है। दड़ियल नहीं भैया जी, ये कह रही है द रियल हीरो। हाँ, हाँ, दड़ियल हीरो। अच्छा एक काम कीजिए, आप हमें खून दीजिए, हम आपको आबादी देंगे, आप बाहर बैठिए हम आपको बताते हैं। निकल लो ना आप। राम राम। दुबे जी, जी भैया जी हुकम। इन सबको टिकट चाहिए जी। अरे कैसे कैसे कार्टून भर्ती किए हो बे, इन सबको बस का टिकट पकड़ाइए और अपने अपने गांव भेजिए। अरे नगर सेवक का मतलब होता है कि पूरा नगर आपकी सेवा करे, और इस ससुरे कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा हा? लेकिन भैया जी ये टिकट किसको दोगे? अपने साले को देंगे, हमारी वाइफ भी कई दिनों से नाराज है, खुश हो जाएगी। वाह भैया जी वाह, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन भैया जी वो आपका साला तो अंगूठा छाप है ना? तो क्या हुआ, इस देश में संतरी बनने के लिए पढ़ाई चाहिए, मंत्री बनने के लिए नहीं। वाह भैया जी वाह, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। अबे कितना डाउन करोगे बे, अब क्या अर्थ में ही घुसेड़ दोगे? नहीं नहीं मेरा मतलब कि आप हैं। हम हैं। हे भगवान धन्यवाद, पंडित देखिए हम हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया है? हाँ, उसका भी
खूब इंतजाम है भैया। अच्छा हाँ जी एकदम तो हम फ्रेश होके आते हैं, आप तैयार रहिए। हाँ हाँ आप नहीं ऊ हाँ हाँ बहुत बड़े वाले हो। हरिओम हरिओम उधर बैठा हुआ जिंदाबाद। नहीं लोगों को अरे एक मिनट सुनो भैया जी, वो क्या है ना कि ये लोग नाच गाना देखने के लिए रुके हैं और कुछ नहीं। अरे बैठो 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 आइए भैया। वाह अरे रुको भाई, ये कौन सी फिल्म का गाना है भाई? जो बावरा। अरे बावरे हो गए हो का है? ये एंटरटेनिंग है, है? भैया जी प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा दोस्त है प्रकाश। तो क्या करे, बहुत अच्छा गायक है। गायक है जी। अरे तो कुछ सुनाओ ना गाना। हाँ हम का हिंदी सिनेमा दिखाई दे के सैया तोरे पैया पर। एक मिनट दुबे जी। जी ये आइटम सॉन्ग तो ठीक है लेकिन आइटम कहाँ है? आइटम भी है। हाँ एकदम पटाका न्यू कमर। तो फिर कमरिया हिलवाइए ना। ए जूली अरे बाप रे तो डबल धमाल है। अरे गाओ। अबे गा 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 पे हम का हिंदी सिनेमा रे। भैया जी क्या हुआ? लगता है विधायक जी गिर गए। भैया जी कितने डाउन टू अर्थ। दुबे जी अबे भाई क्या देख रहे भाई, अबे पर्सनल बैठ रहे। चलो चलो दुबे जी, ये मेरा दोस्त है प्रकाश। अच्छा जी। अरे भाई तुम लोगों ने तो समा बांध दिया समा। अरे भैया जी बहुत खुश हैं। अब मैं तुम दोनों की भैया जी से सिफारिश करूंगा कि तुम दोनों को पार्टी का टॉप का उत्साही कार्यकर्ता बना दे। थैंक यू दुबे जी। उत्साही कार्यकर्ता मतलब? अरे मतलब ये कि पार्टी का प्रचार प्रसार करना, पोस्टर लगाना, नारे लगाना और भैया जब बाहर गांव से वापस आए तो उनके लिए फूल माला का जुगाड़ करना और फिर छोटी मोटी मारपीट लूटपाट टैक्सी तोड़ना, ये काम होता है उत्साही कार्यकर्ता का। और सुनो शाम को उसके बदले 200 रुपए नगद और बिरयानी अलग, नसीब वाले हो। और भैया जी ने तुम्हारे लिए वो लाखों। अरे दुबे जी आ रहा हूँ भाई। लाखों जी लाखों लाखों बधाइया और क्या। तेरी माँ की। आ रहा हूँ बधाइया। थोड़ी देर रुक यार, विधायक जी बाहर आएंगे ना, बात करके चलेंगे। शहर हमें लायर के नाम से जानता है। एक मिनट। हाँ जी तलवार साहब। हाँ जी अरे मुबारक हो जी। हाँ जी चाकू के कातिलों का पता लग गया है जी। कल दोनों की कोर्ट में पेशी है और पक्का फांसी है। हाँ जी ये दो लोग हैं जी, एक हैदराबाद से अहमद भाई है और एक अहमदाबाद से हैदर भाई है। अजय इसी बात के तो पैसे एडवांस भी लेते हैं। हाँ जी सर जी वो चलो जी नमस्कार जी। हाँ जी शकील वकील। ये शकील भाई है, हमारा केस देखेंगे वकील है। अरे चुप कर यार कितनी बार बताएगा भाई, तेरे गुरु ने तेरे से 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। ओए ऐसा मुकदमा चलाऊंगा मुंह का दमा हो जाएगा और सर के बल आएगा हाफते हाफते और पैसे दे के जाएगा कांपते कांपते। और 20 साल की सजा करा सकता हूँ, कम लगे तो भाई फांसी करा देंगे। सजा ठीक है। लेकिन सर हमारे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो सबूत वो कैसी छोटी बात करता है यार, वो सबूत होते नहीं है, बनाए जाते हैं, गवाह खड़े करने पड़ते हैं। वो सारा शहर हमें लायर के नाम से जानता है। और भाई तुम्हारे केस में तो ज्यादा पैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि तुम बंदे शरीफ लगते हो और थोड़े गरीब लगते हो। पूरे 50,000 रुपए लेंगे तुमसे। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे भाई? ये घर है गिरवी रख दो। ये तो किराए का घर है। तो भाई कहीं से उधार ले लो, दिलवा दे भाई। उधार 50,000 50,000
वकील साहब 50 क्या, हम आपको 1,00,000 दे देंगे लेकिन केस जीतने के बाद, है ना? ओए ओ, तुम लोगों को यहाँ पर क्या कोई मूर्ख लिखा हुआ दिख रहा है? ओ बेवकूफू मैं, ओ वो अदालत है, कोर्ट, समझे ना, वहाँ जज की बात चलती है, जज्बात नहीं चलते हैं, बात करते हैं। ओए ऑटो के मुंह वाले, ले टैक्सी का किराया दे। जी वो टैक्सी का किराया तो नहीं है, बस का है, ये आप रख लीजिए। बात करते हैं, दफा जाओ यहाँ से, मैं ही दफा हो जाता हूँ, साले फर्जी दर्जी। यार दुनिया में कोई भी इंसान सही नहीं, सब के सब खराब है। नहीं, लोग खराब नहीं है, खराब तो मेरा वक्त चल रहा है। मैं समझ चुका हूं कि मुझे ये सपनों के आसमान से हकीकत की सड़क पे आना पड़ेगा और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से टैक्सी चलाना पड़ेगा। प्रकाश मेरी बात तो सुन, प्रकाश, या अल्लाह, अगर तेरी नजरों में एहसान फरामोशी गुनाह है तो उसे कभी माफ मत करना। जिसने मेरे दोस्त के साथ एहसान फरामोशी की है कभी माफ मत करना। हेलो रागिनी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी आ जाओ, पंडित जी के 13 फोन आ गए हैं। कहाँ हो तुम? गुरुजी मैं आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। सिर्फ जी बोलो, गुरु निकाल के फेंक दो। हाँ सिर्फ जी बोलो। कहाँ हो तुम? बहुत इंतजार कर रहा हूँ, जरा सामने तो देखिए। अरे अरे मेरी रागिनी आ गई, मेरी रागिनी। हाँ। आ गई गुरुजी। ये लोग कौन है? बाराती। बाराती जी हाँ, ये सब मेरे देवर हैं और मेरा वर आ रहा है। बहुत मजाक करती हो तुम, बहुत मजाक करती हो। चल बहुत देर हो गई, रुकिए ना गुरुजी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे अरे हट, मजाक क्यों कर रही हो, मुहूर्त निकला जा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ गुरुजी, मुहूर्त बीता जा रहा है। फ्रेंड्स जब तक शादी का मुहूर्त है तब तक इनका बैंड बजाओ अच्छे से। ऐसा मत करे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, भले ही आपकी नियत में था पाप लेकिन मैंने हमेशा समझा था आपको अपना बाप। नौटंकी बाजा और तुझे मेरे पैसे चाहिए थे, तू उसी दिन लेके जाती, आज क्यों मेरी जान लेने आई हो? सिंगर बनाने के बहाने आपने मुझे बहुत हाथ लगाया था, तो बदले में अब थोड़े हाथ आपको भी तो लगने चाहिए थे ना। सो फ्रेंड्स हाथ तो अब लग चुके, व्हाट अबाउट लक? नहीं कब होगा, क्या समझ में नहीं आ रहा। शक्ति मैंने तो तुम्हारे लिए सब कर दिया। अब तो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करवाओगे ना? ऑडियो को छोड़ो ना, अब ऑडियो का जमाना थोड़ी रहा। मैं ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा कि पूरी दुनिया कहेगी कि रागिनी की वीडियो के सामने रागिनी MMS फेल है। मैंने कभी झूठ बोला है कि अपना नकाब डालो। नकाब क्यों डालूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? मुझसे शादी करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तुमने तो अपने गुरुजी को चूना लगाया, मैंने पूरे मोहल्ले वालों को चूना लगाया, इसीलिए तो इस मोहल्ले का नाम चूना भट्टी है। मेरे लिंदरों ने इसे देख लिया ना तो तुम्हें किस्तों में बांट लेंगे। ओफो, पुष्पक गाड़ी का समय हो रहा है, लखनऊ पहुँचना है, यहाँ टैक्सी वाला नहीं दिखाई दे रहा है। टैक्सी वाला? अरे अरे शक्ति हा? वो देखो टैक्सी। हाँ टैक्सी, अरे टैक्सी बड़ा धीमे धीमे आ रहा है, ये सुनबाई नहीं कर रहा है ये। रुको 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 रुको, जल्दी 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 करो जल्दी करो। अरे अरे ओहो, चलो आगे बैठो ना, चलो जल्दी चल। अरे भाई जल्दी चलो चलो, पुष्पक गाड़ी पकड़ना है, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, चलो जल्दी चलो। रुको 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 रुको, आगे 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 आगे, चल चल कर सामान निकालो, सामान निकालो। हाँ साहब,
साहब ये जल्दी निकलो। 15 रुपए। अरे वो साहब ये तुम लोग छुट्टा क्यों नहीं रखते हो? अरे जाने दो छुट्टा, चलो चलो किप्त चल। अरे साहब साहब सुनिए सुनिए साहब, अरे किप्त चल क्या है, 515 हुआ था बांद्रा के चक्कर में 15 खा गए। चल करो इधर। अरे ये क्या हुआ, फिर से गाड़ी खराब हो गई? ओफो, आज तूने तीसरी बार गाड़ी खराब की है, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं मैंने कैसे रख लिया इस ड्राइवर को, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। टैक्सी 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 टैक्सी, रुको, जू चलो जल्दी करो ड्राइवर, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। हाँ बराबर चलाता है, मेरे को भी ऐसा ही ड्राइवर मांगता है, अगर तेरे को जमता है तो बोलने का। हाँ तेरी भी नौकरी पक्की हो जाएगी, ले चल पैसे पकड़। साहब वो दो औरत कौन थी साहब? हैं? वो दो औरत कौन थी? अरे वो भाई है, अभी भी नया लगा है घर में, 15-20 दिन से आता है। हाँ। दोनों टाइम का खाना खाता है। हाँ। और रात को बच्चा खुच अपने घर ले जाता है, शायद कुत्तों को डालता होगा। चल अपने पैसे पकड़, अब आते क्यों पूछता रे, टैक्सी चला, ज्यादा बकवास नहीं करने का, चल पकड़। ये टैक्सी वाला भी कमाल यार, कुछ भी पूछता है। अरे अपने पास टाइम किधर है यार? माँ कहाँ से आ रहे हो? मैं आजकल देखता हूँ आप लोग कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हो? वो बेटा बस मंदिर चले गए थे, थोड़ा मन हल्का हो जाए। हे भगवान, हे भगवान। अरे वाह बेटा, आज हम सब एक साथ खा रहे हैं। हाँ माँ। चलो अच्छी बात है। हाँ। आजा बेटा। हाँ माँ। ले माँ। ले। बहुत अच्छा खाना है। खाओ। माँ। बचपन की याद आ गई हाँ। आप कौन? भगवान। भगवान? और यहाँ? मैं तो हमेशा से यही था, तुमने आज देखा। अच्छा तो भगवान है आप, प्रकृति के कण कण में है आप, तो उस वक्त कहाँ होते हो तुम जब लोग तुम्हारा नाम लेकर किसी से उधारी मांगते हैं और लौटाते नहीं है? कभी बीमारी के नाम पर, कहीं हालात के नाम पर, तो कहीं समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या क्या बहाने करते हैं, और जब लौटाने की बात आती तो ऐसा चेक देते हैं जो सिर्फ बाउंस होता है, बाउंस। किसी को तुम्हारा खौफ नहीं है भगवान, किसी को। अरे कभी इंसान बनकर देखो तब पता चलेगा। मैंने तो हर युग में इंसान का रूप लिया है और कितने दुख सहे हैं ये बात तुम सब भली भांति जानते हो, लेकिन मैंने दुखों का सामना किया है, भागा नहीं हूं। और तुम पर जरा सी तकलीफ नहीं आई कि तुम मरने मारने पर उतर आए? तो क्या करे, मोम का जिस्म लेके कैसे जिए संसार में जब हालात हर वक्त अंगार उगलते हैं। तुम इंसानों में भी ना या तो वाल्मीकि बसे हुए हैं या तुलसीदास,
क्योंकि मुझे सुनाने के लिए हर आदमी के पास अपनी एक राम कथा होती है। मेरे सामने आकर इस दुनिया का हर आदमी कहता है कि यह दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। अगर हर आदमी धोखा खा रहा है तो फिर धोखा कौन दे रहा है भाई? तुम लोग बालक बनकर जीते हो, बड़े होना ही नहीं चाहते। ये चाहिए उसे क्यों दिया, मुझे दो, अभी दो, नहीं दोगे तो मैं मंदिर के घंटे से सर तोड़ दूंगा, जान दे दूंगा, तुम्हारी मूर्ति उठाकर फेंक दूंगा। अरे ऐसी धमकियां तो टेररिस्ट भी नहीं दिया करते भाई। सुबह सुबह जब मैं फ्रेश हवा खाने के लिए मंदिर पहुंचता हूं तो तरह तरह के भक्तों की एक लंबी कतार खड़ी होती है और मांगते क्या है हुँ? एक वकील भक्त कहता है, हे भगवान, इस दुनिया में क्राइम कभी खत्म ना हो वरना मेरे साथ नाइंसाफी होगी। डॉक्टर कहता है, हे भगवान, दुनिया में जितनी है नर नारियां उतनी ही बनाइए बीमारियां। बीमार कहता है, हे भगवान, जल्दी ठीक कर दो। अब मैं किसकी सुनूं? हाँ, तुम लोगों की वजह से मेरा भगवान बनकर रहना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई इस जिंदगी में अच्छा काम किया है तो वो काम करते रहना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। भरोसा रखो अपने आप पर, नेकी का दामन कभी मत छोड़ो और फिर देखना इसी दुनिया में तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। संघर्ष जितना ही कड़वा होगा सफलता उतनी ही मीठी होगी। और सुनो, वो जहर नकली था, 4 घंटे बाद तुम्हें होश आ जाएगा। तुम इंसान भी ना, जहर भी असली नहीं बना पाते। अब ये भी क्या मेरा ही दोष है? भगवान मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मैंने हमेशा ही किया है। आई ब्लेस यू। हाँ हाँ, पहुंच रहा हूं, थोड़ा सा तो धीरज रखो। तुम्हारी ही तरह एक और दुखी मेरी राह देख रहा है, चलता हूं। भगवान जी हे भगवान। निस दिन जपूं तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। निस दिन जपूं तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया। तेरे दरस को निकले हम, चालक तू है सवारी हम। हर भूला मंजिल को पाए, सबको सच्ची राह दिखाए, मन को मिले आराम। माँ, आज के बाद तुम और गायत्री पूजा के लिए मंदिर नहीं जाओगी। मगर बेटा। बस माँ, मैं सब जानता हूँ माँ, सब जानता हूँ। अरे बाबा, सुट्टो। अरे एसी लगाना चाहिए ना ड्राइवर, एक मिनट गाड़ी के बाहर आओ, कुछ बात बोलने का है। अरे बाबा, इतना अच्छा अच्छा बात करता है, तुम हंसता ही नहीं बाबा। अरे ड्राइवर से याद आ, मेरे पास एक अंग्रेजी ड्राइवर आया था नौकरी के लिए, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला स्क्रू। मैंने बोला बाबा मेरे को ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर नहीं। वैसे ड्राइविंग में दर्द होता है पता है, उसको क्या बोलता है? क्या? पेन ड्राइव। वैसे एक बात बताता हूँ बाबा, ये ड्राइवर मालिक का डेफिनेशन क्या है पता है?
क्या? जो गाड़ी चलाता है वो चालक है, जो पीछे बैठता है वो चालक है। अरे बाबा जोक तो मेरा पड़े था, चालक। चालक 200 400 20 20। अरे 10 रुपए डिस्काउंट दे दो बाबा, डिस्काउंट दे दो बाबा, डिस्काउंट 10। अब बस। अरे बस नहीं है, टैक्सी है। हम जाते हैं सुट्टो साई। अरे सर ये बैग आपका है क्या? कौन सा? ये बैग, ये आपका है? ये बैग, ये बैग मेरा है। हाँ वही मेरा, नहीं तो कतेड़ा है। अरे पापा बैग मेरा है, पैसेंजर को लूटता है, दूसरों का सामान अपना सामान बताता है, हम जाता है, ये बैग आपका है। थैंक यू। चार सौ 410 रुपया में गिफ्ट मिल गया है। अच्छा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी भी लावारिस वस्तु या बैग को हाथ न लगाए, इसमें बम हो सकता है। अटेंशन प्लीज। अरे बाबा, बाबा ये बैग टेढ़ा है, ये बैग टेढ़ा है, मेरा नहीं है, पकड़ पकड़ हाथ में। ये तो आपका है। अरे दूसरों का बैग दूसरों को देता है, गमीना दलिदर, चोरी करता है पैसेंजर को। अरे समझता नहीं है, बैग मेरा नहीं है। अरे तुमको कैसे बोले बैग मेरा है? ये बैग तेरा है, गली पकड़ा, येड़ा तेरा बैग मेरे हाथ में देता है। तुम समझता क्या अपने आप को, पैसेंजर को लूटता है? ये बैग तेरा है, ये तो बैग तेरा बाबा, रखते बैग। अरे अजीब पागल आदमी यार, कभी बोलता मेरा है, कभी बोलता तेरा, तेरा मेरा, दिमाग फिर। ये तो वाकई मेरा बैग है। हेलो, हाँ हॉस्पिटल मैडम, फोन आया था मेरे को। पेशेंट इज देयर। मरीज, मरीज प्रकाश, अरे प्रकाश, प्रकाश हाँ? कई दिनों से यहाँ एडमिट हैं, इनके पैसे ना जमा होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट रुका हुआ है। और आपने मुझे बुला लिया, गलती की आपने। क्यों? इस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे प्रकाश ऐसे मत कहो प्रकाश। क्या बात करूं हा? अभी आपका कौन सा नया नाटक है गुरुजी? गुरुजी मत बोल बेटा, गुरुपद के लायक नहीं हूँ, मैंने तुझे फंसाया बेटा, तुम्हारे 20 लाख रुपए ले लिए मैंने धोखे से, अब देखो ये करने का फल भुगत रहा हूँ बेटा, बेटा धोखे से लिए हुए पैसे मैंने रागिनी को दे दिए बेटा, क्योंकि मैं रागिनी से शादी करना चाहता था बेटा, हमने शादी करने का फैसला लिया, और उस दिन
इसलिए नहीं आया। तो आप क्या चाहती हैं कि इनके इलाज का पैसा मैं दूं, इन पे दोबारा विश्वास कर लूं? पैसे के लिए नहीं बुलाया, मुझे प्रायश्चित करना है बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी इसलिए बुलाया बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया बेटा, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, इनके इलाज में कितना खर्चा आएगा? बेटा मेरी किडनी डैमेज हो गई है बेटा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। इनके पूरे इलाज में 18 से 20 लाख का खर्चा होगा। 20 लाख? नहीं बेटा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू कीजिए इनका इलाज। ओके, आप काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए। चलो कमान पिकअप। हाँ परमा। मुबारक हो मनुष्य रूप धनुष, तेरा गाना तो छा गया है गुरु। मैंने कहा था ना ये गाना 100% हिट होगा। वैसे कहाँ हो तुम? मैं यार। ठीक है, जहाँ कहीं भी हो यार, तुम घर पे पहुँचो, मैं वहीं पहुँच रही हूँ। ओके, यू नो व्हाट, तुमसे कितने बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं, अरे कितने लोग तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं। ओह गॉड, आई एम सो 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 हैप्पी, यू रीच डूड, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, सी यू, बाय। फटाक की सू बढ़िया सन्नाटे के वार्ड के नाटे से माल की गाड़ी के डिब्बे से गवस्कर के बल्ले निषाद के हाथों से जो चाय बन गई। प्रकाश, आज मेरी अस्पताल से छुट्टी होने वाली है, मैं ये अस्पताल छोड़कर जा रहा हूँ। ससुराल वाले कहते हैं कि हाफ शर्ट पहन के नहीं आना, हाफ शर्ट में तो हाफ माइंड लगता है। फुल शर्ट चाहिए तेरी, मुझे ये तेरी फुल शर्ट चाहिए, मुझे फुल माइंड होना है, क्योंकि आज तक मैं अपनी शर्तों पे जिया हूँ, लेकिन आज मैं तेरी शर्ट पहनकर फुल माइंड लगना चाहता हूँ। कहना ना होगा ना कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है। अरे इनको समझाओ। रुको रुको, मैं समझाता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, आप नाना हो ना? हाँ, जानता हूँ इनको मैं। ठीक है, ये शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं अपनी शर्ट इन्हें दे देता हूँ। आपने के लिए कोई टेंशन मत लीजिए। शर्ट बदल के खुश हो गए? आप मैड कहीं का? आप मैन किसे कहता है? औकात में रहा, औकात में, मैं फुल मैड हूँ, फुल मैड। मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो। थैंक यू मेरे दोस्त, कमाल कर दिया तूने। और ये भी तेरा है? आज सब कुछ तेरा है। और ये मेरे। थैंक यू, कांग्रेस, सक्सेस, मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ग्रैंड सक्सेस। अरे थैंक यू यार। आप कौन? अब्दाल राइस। अरे नहीं बाबा, मिस्टर अब्दाल, मिस्टर रईस। अच्छा, अब्दाल रईस। इनकी इवेंट कंपनी है और मेरी म्यूजिक वीडियो कंपनी है, और हम दोनों आपको साइन करने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं आप? एज सर, 30 लाख टाका। बापरे, 15 लाख मेरी तरफ से, 15 लाख इनकी तरफ से। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं दादा, मना मत करना है। लेकिन वो ये इतना पैसा, बताओ ना किस किस के साथ काम किया है? हमने बापी दा के साथ वर्ल्ड टूर किया है, मिका दा के साथ किया है, शानू दा के साथ किया है, सोनू दा के साथ किया है, पड़काश दा, अब आपके साथ हम वर्ल्ड टूर करेगा। साइन साइन साइन, ये मौका साइन नहीं है, ऑटोग्राफ के पुड़कस दाका मां तो काका जो है गलो। मां देख रही हो मां, इसे अपने हाथों से छू के मुझे आशीर्वाद दो। गायत्री बेटा, नहीं मां, अब रोना नहीं, वहां भगवान, वहां। मैं तो मर के स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन तूने तो मुझे जीती जी स्वर्ग दिखा दी। दिल करता है भगवान तुझे सैल्यूट करके यहां वेल्डिंग मरवा लूं। इसे कहते हैं मनी बैक गारंटी। Bye.
दौलत के वर्ल्ड में मिलेगी नहीं किसी की वारंटी, जो आज अपना लगे कल हो सकता है वो एंटी। ओ डियर मेंबर ऑलवेज रिमेंबर, ओ डियर मेंबर ऑलवेज रिमेंबर, गॉड कैन गिव यू ओनली मनी बैक गारंटी, गॉड कैन गिव यू ओनली मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी। And if you keep on trying, you get there sometime, 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 sometime. And if you keep on trying, you get there sometime, 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 sometime. Yeah, check. You're in tune to the D-Cypher sounds and we're locked down in the media. It's all about high-level music for the Y2K plus 5. Shouts out to the UK talent. Just keep pressing on and moving forward. Cause UK talent is nearly at its peak, yeah? को सयाना प्रेमी को दीवाना, पल भर में कर दे ये रुपया, नए को पुराना लाखों को चराना, करता रहा है ये रुपया। लैला को मजनू से हीर को रांझा से, अनजाना कर दे ये रुपया। अपनों को अपनों से, सपनों को सपनों से, बेगाना कर दे ये रुपया। चाहत ही चाहत से मांगे है पेनल्टी, मनी मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी, मनी मनी बैक गारंटी।